हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जेएन सिटी ऑफ दिल्ली की। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है बेटा, इंग्लिश की वर्कशीट है। ये है वर्कशीट नंबर 2 इंग्लिश की। पहली वर्कशीट बेटा आपकी पिछले वीक में आई थी मंडे को ही, और ये भी अब की बार मंडे को ही आई है। और ये जो है पिछली बार वर्कशीट नंबर 1 थी इंग्लिश की, अब की बार ये 2 है बेटा। और पोइम यही थी आपकी, उसमें पहले 2 स्टेंजाज पहले आपने वर्कशीट 1 में पढ़े हैं, और अब ये वर्कशीट 2 में आप ये जो है 3, 4 और 5 ये 5 स्टेंजेस को पढ़ेंगे। ये आपकी 8वीं क्लास की वर्कशीट है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ आपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 14 सितंबर 2020 की, यानी कि मंडे की वर्कशीट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पोइम है द आंट एंड द क्रिकेट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट वीक यू रीड अ पोइम अबाउट ए हार्ड वर्किंग आंट एंड केयरलेस क्रिकेट। की आपने पिछले जो है वीक में, लास्ट वीक में जो पोइम पढ़ी थी कि हार्ड वर्किंग कौन है, आंट है, चीटी है और केयरलेस क्रिकेट के बारे में जो है पोइम पढ़ी थी। नाउ थिंक ऑफ समवन फैमिली मेंबर्स फ्रेंड हु हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज। कि चलो हम देखते हैं कि आपके जो है फैमिली में आपके कौन फैमिली मेंबर, कौन फ्रेंड जो है उसमें ये क्वालिटीज हैं जो कि ये नीचे दी गई हैं। राइट हिज हर नेम इन द ब्लैंक इन योर रिलेशनशिप विद हिम हर इन द ब्रैकेट्स। जो है आपको क्या करना है बेटा, इसमें जैसे ये दे दिया आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग कौन होता है? मेहनती। तो आपकी फैमिली में जो है मेहनती कौन है? आपके पापा हैं, दादा हैं, आप हो, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, कौन है? तो आपको यहाँ पर तो क्या लिखना है, वहां पर जो भी है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर लिखना है बेटा नेम, जो भी आपकी फैमिली में हार्डवर्किंग है, और यहाँ पर उसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पर अपने दादाजी का नाम, और यहाँ पर उसका आपसे क्या रिश्ता है। जैसे यहाँ पर तो मैंने लिख दिया अपने दादाजी का नाम उमेद, और यहाँ पर मैंने ग्रैंडफादर GRANDF, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने रिलेशन कि उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है। यहाँ पर नेक्स्ट बेटा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक क्या होता है बेटा? एनर्जेटिक होता है साहसी। कि आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स में कौन है साहसिक, तो यहाँ पर आपको ये अपने आप ही लिखना है बेटा। कि आपको मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया है कि यहाँ पर लिखना है आपको नाम, जो भी हार्डवर्किंग है, जो भी एनर्जेटिक है, और यहाँ पर उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। तो एनर्जेटिक बेटा होता है साहसी, कौन है साहसी, और यहाँ पर आपको उसका रिलेशन लिखना है कि वो आपके क्या लगते हैं। नेक्स्ट बेटा पंक्चुअल। पंक्चुअल क्या होता है कि समय का पाबंद। क्या होता है बेटा? समय का पाबंद, समय का पाबंद। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके घर में समय का पाबंद है, आपकी भैया हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी भाभी हैं, आपके पापा हैं, जो कोई भी, आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है, और यहाँ पर उनके साथ जो रिलेशन है आपका वो लिखना है। नेक्स्ट बेटा हेल्पफुल, जो कि सहायता, कौन सबसे ज्यादा हेल्पफुल यानी कि सहायक है, तो यहाँ पर नाम लिखना है, और यहाँ पर उसके साथ जो है अपना रिलेशन लिखना, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो कोई भी है उनका। नेक्स्ट है बेटा कि नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोइम डू यू थिंक द आंट हेल्प द क्रिकेट। कि जो है नाउ चलो हम रीड करते हैं इस पोइम में कि आंट जो है क्रिकेट की हेल्प करती है या नहीं करती, या करनी चाहिए। स्टेंजा 1 है, 1 और 2 को हमने जो है वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ लिया था बेटा। अगर आपको वो वर्कशीट देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा 3। क्या कहते हैं? सीज द अंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जो है अंट कहती है, चीटी कहती है क्रिकेट से कि मैं आपकी नौकर हूं और आपकी दोस्त हूं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। कि हम चीटियां ना तो कभी उधार देती हैं, बोरो होता है बेटा उधार, उधार देना या लेना, हम ना तो उधार देती हैं, एंड वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही उधार लेती हैं।
यानी कि हमने ना तो कभी उधार लिया है और ना कभी दिया है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, परंतु मैं आपको बता दूं डियर क्रिकेट, प्रिय क्रिकेट, डिड यू ले आउट नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म क्विथ द क्रिकेट नो आई। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपको बता दूं प्रिय क्रिकेट कि आपने क्या कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। When the weather was warm, कि जब आप गर्मियों का मौसम था तो क्या आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। Quit the cricket, क्रिकेट ने कहा छोड़ो ना, नहीं मैंने नहीं किया। तो स्टेंजा फोर है बेटा कि माई हार्ट वॉज सो लाइट, ये कौन कह रहा है बेटा, ये कह रहा है क्रिकेट, कौन कह रहा है, टीडा, टीडा भी बोल सकते हैं उसको हिंदी में, भंगूर भी बोल सकते हैं और क्रिकेट भी बोल, इंग्लिश में तो क्रिकेट है ही वो। तो उन्होंने कहा कि माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है वो बहुत नर्म है, बहुत हल्का है। दैट आई सेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, उन्होंने कहा कि मैंने दिन रात गाया है और प्रकृति का जो है मजा लिया है और जो है प्रकृति को खुश करने में लगा रहा हूँ और उसको देखने में। यू सेंग सर, यू से, उन्होंने चीटी कह रही है यहाँ पर, आपने गाया सर, आपने कहा कि आपने गाया, तो वो कह रही है फिर गो देन से दांड, चीटी ने कहा कि फिर जाओ और जाओ अब सर्दियों में भी, एंड डांस द विंटर अवे, कि अब सर्दियों में भी आप डांस करो। नेक्स्ट स्टेंजा है बेटा हमारा स्टेंजा नंबर 5 है, दस एंडिंग ही हस्टली लिफ्टेड द विकेट, कि जो है अब सब कुछ खत्म हो गया और उन्होंने क्या किया, विकेट यानी कि एंड आउट ऑफ द डॉट रन द पुअर लिटल, कि उन्होंने क्या किया आप चीटी ने बेटा, कि उसको जो है दरवाजे से बाहर निकाल दिया जो लिटल क्रिकेट को, और क्या किया, देखिए आप पिक्चर्स में देख भी रहे होंगे कि उन्होंने उसको टीडे को बाहर निकाल दिया कि अब आप जाओ सब कुछ खत्म हो गया है। फोल्क कॉल्स दिस फैब्रिक, कि लोग कहते हैं कि यह एक कल्पित वाक्य है, यानी कि कल्पना किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि आई विल वारंटेड वारंट, लेकिन कवि कहता है कि आई विल वारंट इट्स ट्रू, कि लेकिन कवि कहता है कि मैं जो है वो पूरी वारंटी के साथ कह सकते हूँ कि नहीं ये सत्य है। सम क्रिकेट हैज फोर लेग्स, कि कुछ जो है क्रिकेटों की चार पैर होते हैं, एंड सम हैव टू, और कुछ के दो होते हैं। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है बेटा, कि जो क्रिकेट होते हैं वो आलसी होते हैं और वो दो पैर हो चाहे चार हो वो कुछ भी करके नहीं खा सकते। नेक्स्ट बेटा कि हु सेड द फॉलोइंग लाइंस इन द पोएम आंट और क्रिकेट, यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो इच बबल्स, बबल्स में बेटा कुछ जो है लाइंस दी गई हैं पोइम की, तो वो किसने कही है यहाँ पर नीचे हमें लिखना है। तो माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो हमने पढ़ा था ये किसने कहा था बेटा, ये कहा था क्रिकेट ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिकेट। नेक्स्ट बेटा, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कि क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जब गर्मी का मौसम था, तो ये किसने कहा है बेटा, ये कहा है आंट ने, ये किसने कहा है बेटा, आंट ने। नेक्स्ट, गो देन एंड डांस द विंटर अवे, कि अब जाओ और डांस करो सर्दियों में भी, ये भी किसने कहा बेटा, ये भी कहा है आंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोइम, कि नीचे जो है बेटा कुछ सेंटेंसेस अरेंज करने हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, और क्या करना है जो कि समरी में दिए गए हैं। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस, द फर्स्ट सेंटेंसेस हैज बीन सिक्वेंस्ड टू हेल्प यू, जो है बेटा फर्स्ट सेंटेंस जो है ये वाला कि द क्रिकेट सेंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग, कि क्रिकेट जो है गर्मी और बसंत के महीनों में गाया करता था, ये जो है हमारी हेल्प के लिए जो सिक्वेंस में लगाया है ये नंबर वन पर है। अब सबसे ये जो सेंटेंसेस हैं बेटा कि इसके बाद क्या कहा गया था और फिर उसके बाद क्या कहा गया, तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो पहले का अर्थ क्या है बेटा कि क्रिकेट गर्मी और बसंत के मौसम में गाया करता था। नेक्स्ट है द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे, कि
चीटी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे भेज दिया। इन द विंटर सीजन यानी कि जो है सर्दियों के मौसम में ही वाज स्टर्विंग एंड थस ही वेंट टू द आंट कि सर्दियों के मौसम में वह भूख से मर रहा था और इस तरह वह चीटी के पास चला गया। द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। तो यहाँ पर जो कि द क्रिकेट सिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग जो है क्रिकेट गर्मी और बसंत के महीने में गाया करता था। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि सर्दियों के मौसम में जो है दूसरे नंबर पर आएगा हमारा ये कि सर्दियों के मौसम में उसको बहुत जोर की भूख लगी थी और भूख से मर रहा था और वो चींटी के पास चला गया। थर्ड नंबर पर आएगा बेटा हमारा ये कि वह चींटी के पास से अनुरोध किया उसने कि वह उसको भोजन और आश्रय दे दे। फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा कि चींटी ने ये आएगा कि चींटी ने क्रिकेट से पूछा कि क्या तुमने थोड़ा सा भी इकट्ठा नहीं किया, स्टोरेज नहीं किया। इसके बाद आएगा कि क्रिकेट ने कहा कि ग्रीष्म काल का आनंद लिया और फिर थोड़ा सा भोजन भी और थोड़ा सा भी भोजन इकट्ठा नहीं किया। तो इसके बाद फाइव नंबर पर ये आएगा बेटा और इसके बाद सिक्स नंबर पर ये जो हमारा रह गया द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम द सेंड हिम अवे तो ये कि चींटी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे भेज दिया। तो इस तरह हम पहले नंबर पर बेटा ये आपका है ही, फिर सेकंड नंबर पर आएगा ये, फिर थर्ड पर आएगा ये वाला सेंटेंस और फोर्थ पर आएगा ये, फाइव पर आएगा ये और जो लास्ट में रह गया हमारा वो आएगा ये फाइव फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द लास्ट लाइन चूज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट लाइन कौन सी थी हमारी बेटा कि सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू लेग्स। तो इसका जो है अर्थ क्या है कि देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव टू लेग्स कि इसका अर्थ है कि कुछ क्रिकेटों की दो पैर होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव फोर लेग्स कि कुछों के जो है चार पैर होते हैं। या सी कि सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट कि कुछ लोग जो है क्रिकेट को कहते हैं कि दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर कि वो क्या होते हैं, वो आलसी होते हैं और वो आने वाले कल यानी कि फ्यूचर के लिए।